Assalamu alaikum, I'm Manal from Morocco and you're watching Moroccanistani Reactions. In today's video, I'll react to a Dr. Zakir Naik video. Answer my one question, I will accept Islam with my family. एक सवाल का जवाब दो, पूरे खानदान के साथ मुसलमान होने के लिए तैयार हूँ. हिंदू लड़की का जाकिर नायक को चैलेंज. सो ये कैसा चैलेंज है, कैसा सवाल है जो इस हिंदू लड़की ने डॉक्टर जाकिर से पूछा है. और एज़ यूजुअल कोई डाउट नहीं है कि डॉक्टर जाकिर का जवाब बिल्कुल दुरुस्त होगा और बहुत ही ज़बरदस्त होगा, क्योंकि उनके पास जो टैलेंट है जवाब देने का वो किसी के पास नहीं है. सो आइए देखते हैं ये वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो. 1, 2, 3. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं. इस्लाम का लफ्ज सलाम से निकला है और इसका मतलब सलामती और अमन है. अमन का मतलब ये है कि अपने आप को अल्लाह ताला की रजा के आगे झुका दिया जाए. बस इस्लाम सलामती का दीन है जो खुद को अल्लाह की मर्जी के आगे झुका देने से नसीब होता है. बहुत से गैर मुस्लिम एतराज उठाते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला, मगर इस बात को एक अंग्रेज मुअर्रख ने ही रद्द कर दिया और बताया कि तारीख बहरहाल ये हकीकत वाज़े कर देती है कि मुसलमानों के मुतालिक रिवायती तासुब पर मबनी कहानियाँ कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला और इसके जरिए से जुनूनी मुसलमान दुनिया पर छा गए, सब नामाकूल और फजूल अफसाने हैं जिन्हें मुअर्रखीन ने बार बार दोहराया है. दरहकीकत इस्लाम तो ऐसा दीन है जो अमन, रवादारी, भाईचारे और मुआशरत के असरात की छाप से आगे बढ़ा. अपनी आलमगीर सदाकत, अकल पर मबनी तसव्वुरात और सच्चाई पर मबनी दलाइल की बदौलत इस्लाम को फरोग मिला और हर दौर में इस्लाम कबूल करने वाले इस्लाम की इन्हीं बातों से मुतासिर हुए. नाज़रीन, आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें भी एक गैर मुस्लिम खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से इस्लाम की सच्चाई से मुतालिक सवालात किए और जवाब मिलने पर उसने इस्लाम कबूल करने की शर्त रखी. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसके तमाम सवालों के जवाब दिए, मगर क्या इस खातून ने इस्लाम कबूल किया या नहीं, इसके लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा. नाज़रीन, ये खातून हिंदू थी और इसका नाम रेवती था. इसने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने आपके बहुत से लेक्चर सुन रखे हैं, खास तौर पर वो लेक्चर मुझे बहुत पसंद हैं जिनमें आप मुख्तलिफ मजाहिब का तकाबली जायजा लेते हैं. मैं कुरान पाक पढ़ रही हूँ और सिंगापुर में मेरे बहुत से मुसलमान दोस्त भी हैं जो भारत में पैदा हुए मगर अब यहाँ आकर बस चुके हैं. मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि कुरान में लिखा है कि जहन्नुम में जहन्नमियों की जिल्द जल जाएगी तो उनको नई जिल्द दी जाएगी, क्या हम इसको एक और जिंदगी या पुनर्जन्म समझ सकते हैं, जैसा कि हिंदू मत के मानने वालों का यकीन है. माय नेम इज रेवती. ब्रदर ज़ाकिर, आई एम योर ग्रेट फैन. आई एम वेरी मच एनलाइटन्ड बाय योर टॉक्स एंड लेक्चर्स ऑन इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन. I have been reading Quran and I have a lot of Muslim friends. I'm from Singapore, born and brought up in India. I have some questions and please clarify. Thank you so much. My question is, can we relate the regeneration of skin for hellfire as stated in Quran chapter 4 verse 56 as reincarnation of new life for real suffering? Thank you. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून के सवाल की और उस सवाल में कुरान की आयत के हवाले की बहुत तारीफ की और कहा कि अच्छी बात है कि आप कुरान पढ़ रही हैं और तवज्जो से पढ़ रही हैं, आपका हवाला इसी बात का सबूत है. सूरह निसा में इरशाद बारी ताला है कि बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया उन्हें हम आग में डाल देंगे, जिस वक्त उनकी खालें जल जाएंगी तो हम उनको और खाल देंगे ताकि अजाब चखते रहें, बेशक अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है. इस आयत में ये चीज बताई गई है कि खालें बदल दी जाएंगी मगर इसको एक और जन्म के साथ तामीर नहीं किया जा सकता, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि पहले साइंस का इस बात पर यकीन था कि सिर्फ दिमाग को सिग्नल भेजने से ही दर्द का एहसास होता है और दिमाग ही हर किस्म के दर्द को महसूस कर सकता है, मगर अब साइंस हमें बताती है कि जिल्द के अंदर भी दर्द महसूस करने वाली हिस होती है जो हम पहले नहीं जानते थे, मगर कुरान ने ये 1400 साल पहले बता दिया था कि हम उनको नई खाल देंगे ताकि ये दर्द महसूस करें. आज साइंस ने इसको साबित कर दिया. अल्लाह ताला इंसाफ पसंद है. मिसाल के तौर पर हिटलर को देखें जिसने 60 लाख यहूदियों को मारा था. आज के कानून के हिसाब से
हिटलर को कितनी सजा दी सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा आप उसको सजाए मौत देंगे? ये तो एक जान का बदला होगा जो इसने एक यहूदी को मारा, बाकी 59,999 यहूदियों के कत्ल का क्या हुआ? उन्हें जैसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की कि आखिरत में उनका क्या हाल होगा। अगर अल्लाह ताला हिटलर को 60 लाख मर्तबा जलाना चाहे तो ऐसा करने में पूरी तरह कादिर है। यह आखिरत में सजा की एक मिसाल है और ये पुनर्जन्म हरगिज़ नहीं। अगर आप पुनर्जन्म से मुतालिक जानना चाहें तो ये वेदों में लिखा है। ऋग्वेद में पुनर्जन्म का जिक्र है। पुनर का मतलब है अगला और जन्म का मतलब है पैदाइश, यानी अगली पैदाइश। और हम मुसलमान भी पुनर्जन्म पर यकीन रखते हैं। कुरान भी अगली जिंदगी के बारे में बात करता है। जब हम मर जाएंगे तो कयामत के दिन अल्लाह ताला हमें दोबारा उठाएगा, यही चीज वेद भी कहते हैं। मगर हिंदुओं के स्कॉलर्स का कसूर है कि आज हिंदू पुनर्जन्म का एक और मतलब निकाल बैठे। इन्होंने संस्कार की इस्तेलाह निकाली। हिंदुइज्म में इसका मतलब बार बार मौत और बार बार जिंदगी है, मगर ये वेदों में कहीं नहीं लिखा। इसको हिंदू स्कॉलर्स या पंडितों ने खुद से अखज किया है। द स्कॉलर्स ऑफ हिंदुइज्म दे केम आउट विद द फिलॉसफी नोन एज संस्कारा। संस्कारा इन हिंदुइज्म इट इज द साइकिल ऑफ बर्थ रीबर्थ बर्थ रीबर्थ बर्थ रीबर्थ। दिस इज नो वे मेंशन इन द वेदा। वेदा स्पीक्स ओनली अबाउट नेक्स्ट लाइफ व्हिच इवन कुरान स्पीक्स। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि पंडितों को इस चीज की समझ नहीं आती कि कुछ लोग अमीर कुछ गरीब पैदा होते हैं, कुछ बच्चे तंदुरुस्त तो कुछ लूले लंगड़े काने या माजूर होते हैं। तो जब इनसे सवाल हुए तो उन्होंने ये संस्कारा की इस्तेलाह मुतारिफ करा दी। वो इस चीज का ख्याल करना ही भूल गए कि खुदा बे इंसाफ हरगिज नहीं है। उन्होंने कहा कि हो सकता है पिछली जिंदगी में इन लोगों ने कोई गुनाह किए हों जिसकी वजह से ये गरीब पैदा हुए या बीमार या माजूर पैदा हुए। ये सिर्फ और सिर्फ पंडितों की सोच है, सहीफों की नहीं। आपके वेद तो पुनर्जन्म सिर्फ और सिर्फ अगली जिंदगी की बात करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि भगवत गीता में बताया गया कि कैसे रूह एक जिस्म से दूसरे जिस्म में जाती है, मगर ये एक दफा के लिए है। मगर पंडितों ने इसे एक को कई मर्तबा बना दिया। एक मर्तबा तो मुसलमान का भी यकीन है कि रूह दोबारा जिस्म में जाएगी, मगर कई मर्तबा का तो ना कुरान में लिखा है ना ही हिंदू सहीफों में। डॉक्टर साहब ने कहा कि अब आपके जहन में ये सवाल हो सकता है कि अगर हिंदू पंडित गलत हैं तो फिर इस्लाम के इस बारे में क्या कहता है। तो उसके जवाब है कि कुरान पाक की सूरह मुल्क में अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से किसके काम अच्छे हैं, और वो गालिब बख्शने वाला है। ऐसे ही दुनिया के इम्तहान में है कि हर साल आप इम्तहान देने जाएं तो सवालनामा तब्दील होता रहता है। आपको हर साल पहले वाला पर्चा नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ताला भी मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से आजमाता है। कुरान पाक कहता है कि तुम्हारी औलाद दौलत तुम्हारे लिए इम्तहान है। अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को अमीर और कुछ को गरीब बनाया ताकि देखे कि कौन नेक अमाल करता है। जो अमीर है उस पर ज़कात फर्ज है। इस्लाम में हर अमीर शख्स पर ज़कात देना फर्ज है, गरीब के लिए कोई ज़कात नहीं। तो ज़कात के इम्तहान में वो 100 में से 100 नंबर लेगा। अमीर शख्स को 100 नंबर मिल सकते हैं और कम भी। हम गरीब को देख कर कहते हैं कि यह बड़ा मुफलस है, मगर ये नहीं सोचते कि वो गरीब आखिरत में कितने फायदे में रहेगा। तो गरीबी और अमीरी भी एक इम्तहान है। कुरान कहता है कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए इम्तहान है। हो सकता है किसी बहुत ही बरगजीदा जोड़े के यहाँ ऐसे बच्चे की पैदाइश हो जिसके दिल में सुराख हो, बच्चे ने कोई गुनाह नहीं किया। कुरान पाक भी कहता है कि हर बच्चा मासूम पैदा होता है, मगर ये बच्चा अपने वालिदैन के लिए इम्तहान है। अगर वालिदैन शिकायत शुरू कर दें कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों है तो वो इम्तहान में फेल हो गए। अच्छा मुसलमान कहेगा कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने औलाद दी, वो शिकायत नहीं करेगा। हो सकता है अल्लाह ताला इस जोड़े को ऊंचे दर्जात देना चाहता है, इसीलिए इसने उनके लिए ये इम्तहान रखा। डॉक्टर साहब ने बात एक मिसाल से समझाई कि अगर आप बैचलर डिग्री करते हैं, आर्ट्स में पास होते हैं तो नौकरी मिलती है, मगर इतनी अच्छी नहीं होती। अगर आप MBBS करते हैं, आपको डॉक्टर का टाइटल मिलता है, तनख्वाह अच्छी मिलती है, मगर MBBS पास करना भी मुश्किल होता है। जितना मुश्किल इम्तहान है, इसका इनाम भी उतना ही बढ़िया होता है। So poverty is a test, wealth is a test. To that couple is born a baby who has congenital heart disease. That baby has done no sin. Quran says every child is born as a masoom. Every child is born sinless. It is a test for the parents. That do the parents yet have faith in Almighty God? If the parent has less faith, he will start complaining, what type of God is this? I have prayed so much, yet he is giving me a child with handicap. A good Muslim, he will say, Alhamdulillah.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये जवाब देने के बाद उस खातून से पूछा कि क्या आप मानती हैं कि खुदा एक है। उस खातून ने कहा कि मुझे यकीन है कि खुदा एक है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल है। डॉक्टर साहब ने कहा माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, मुझे बताएं कि क्या आपको यकीन है कि बुतों की परस्तिश गलत है। उस पर खातून ने जवाब दिया मैं तो पिछले 10 साल से ही बुतों की पूजा बंद कर चुकी हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर माशाल्लाह कहा और अब ये पूछने ही लगे थे कि आप इस्लाम कबूल करेंगी या नहीं, मगर इससे पहले ही उस खातून ने वजाहत कर दी कि मेरा इस्लाम कबूल करने का पूरा इरादा है और मैं अपने बच्चों के साथ मिलकर सिंगापुर में इस्लाम कबूल करूंगी। पूरा हॉल नाज़रीन ये सुनकर तालियों से गूंज उठा। Do you believe there is one God? I believe that there is one God and Prophet is the final messenger. Thank you. MashaAllah. Do you believe idol worship is wrong? No, I'm not doing idol worship for the past 9 years. MashaAllah. I would like to take Shahada with my children in Singapore later. Thank you so much. डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह सुनकर उस खातून को दुआ दी कि मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपके लिए इस्लाम कबूल करने के अमल को और इस्लाम कबूल करने के बाद की जिंदगी को आसान बनाए, आपको जिंदगी भर हिदायत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। फिर भी ये कहा कि इस्लाम कबूल करने में ज्यादा देर मत लगाइएगा, आपको यकीन है कि खुदा एक है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगम्बर हैं, तो आप मुसलमान हैं, बस आपको अपनी जबान से कलमा शहादत कहना है। मैं दुआगो हूँ कि आप जल्द इस्लाम कबूल करके दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाएंगी। नाज़रीन आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। सो एज यूजुअल डॉक्टर जाकिर नायक सही जवाब देने में कामयाब होते हैं और उनके हाथों कई लाखों जो है लोग मुसलमान हो गए। कितना बड़ा सवाब का काम कर रहे हैं, ये दावत का काम और तबलीग का काम जो कर रहे हैं उसकी वजह से उनको कितना बड़ा सवाब मिल रहा होगा। अल्लाह ताला उनको एक लंबी ज़िंदगी दे, एक लंबी ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे कि वो आगे जो है और भी लोगों के दिल में ईमान लाए और उनके उनको सही रास्ते पे लाए। तो वो एक बहुत बड़ी नेमत है उम्मत के लिए कि वो दीन की तबलीग इस तरह कर रहे हैं कि वो उनके हाथों जो है लाखों लोग जो है मुसलमान हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनको ये अमल करने में तौफीक अता फरमाए, उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। ऐसा तबलीग करने वाले मैंने आज तक नहीं देखा जो इंडिया में पैदा हुए हैं। इंडिया के लिए बहुत बड़ी नेमत है, हालांकि वो अभी इंडिया में नहीं है और कुछ लोगों का कहना है कि वो उन्होंने कुछ एंटी नेशनलिज्म के केस में जो है वो हुए हैं, तो उन पर कोई केस हो गया तो वो फरार हो गए। लेकिन सच तो यही होगा कि उनकी वजह से जो लोग वहाँ पर हिंदू मुसलमान हो रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई गलत कार्रवाई की होगी, तो जिस वजह से जो है उनको मुल्क छोड़ना पड़ गया है। तो ये जो है जिस तरह इस्लाम जो है तेज़ी से फैल रहा है, कुछ लोगों को के दिमाग में जो है ये नफ़रत तो ज़रूर होगी कि इस्लाम ऐसे तेज़ी से क्यों फैल रहा है, हमें इस चीज़ को रोकना है। तो ये डॉक्टर जाकिर नायक इज़ वन ऑफ द फाइटर्स ऑफ इस्लाम जो लड़ रहे हैं इस तरह से, मतलब अपने इल्म के ज़रिए जो अल्लाह ताला ने उनको इल्म दिया है उस इल्म के ज़रिए जो है वो इस्लाम को फैला रहे हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमाए। सो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।